रेडियो खाची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र त्रिपाठी, राजनीति विज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शैक्षणिक लेखन में विभिन्न तरह के आलेख कौन कौन से हैं, शैक्षणिक लेखन की मूल चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। सामान्यतः देखा जाए तो एकेडमिक राइटिंग में डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पुस्तक लेखन, संपादित पुस्तक का लेखन, पुस्तक में विशिष्ट अध्याय का योगदान, प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, संगोष्ठी के पत्र या कॉन्फ्रेंस राइटिंग, शोध पत्र रिसर्च आर्टिकल, शोध ग्रंथ सिनॉप्सिस, निबंध शब्दकोश तैयार करना, तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, किसी पुस्तक पर समीक्षा या प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, लघु शोध प्रबंध डिजर्टेशन जिसको कहते हैं, अनुवाद ट्रांसलेशन, मानचित्रण, साहित्य समीक्षा या कलेक्टेड वर्क आदि विभिन्न तरह के शैक्षणिक आलेख हैं। शैक्षणिक लेखन सामान्यतः औपचारिक, वस्तुनिष्ठ, निर्वैयक्तिक इम्पोरेशनल जिसको कहते हैं और तकनीकी होता है। इसमें बोलचाल की भाषा तथा अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें व्यक्ति की अपनी संवेदनाओं, भावनाओं की अपेक्षा तथ्यपरकता, वस्तुपरकता तथा वैचारिकता को केंद्रीय स्थान दिया जाता है। शैक्षणिक लेखन में तकनीकी होने के लिए विषय विशेष में स्वीकृत स्थापित पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग होना चाहिए। शैक्षणिक लेखन के लिए, जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक विषय में एक विशेष शैली, वचन रचना का विकास डिस्कोर्स कम्युनिटी, जिसको विशेषज्ञ समुदाय भी कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए मानविकी के विषय में ऐसा माना जाता है डिस्कोर्स कम्युनिटी के द्वारा कि उसमें लंबे पैराग्राफ लिखने चाहिए, जबकि विज्ञान संकाय में छोटे पैराग्राफों का प्रचलन होता है। एक अच्छा शैक्षणिक लेखक बनने के लिए अध्येता को अपने विषय के लेखन की विशेष शैली और संरचनाओं का ज्ञान होना आवश्यक। इसके लिए अध्येता को कुछ महत्वपूर्ण कार्य और अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसके अंतर्गत उसे अपने शिक्षकों तथा शोध निर्देशकों से अधिक सूचनाएं एकत्रित करना चाहिए। अपने विषय में ख्याति प्राप्त स्थापित शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों को पढ़कर उनकी लेखन शैली को समझना या उस तरीके से लिखने का सतत अभ्यास करना चाहिए। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि शैक्षणिक लेखन में जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा, लेखन की परिशुद्धता, लेखन की शुद्धता, लेखन की शैली का उतना बेहतर विकास होगा। साथ ही साथ अपने विषय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों या अपने विषय के टॉपर्स जिनको हम लोग कह सकते हैं, उनके भी लेखन शैली से विद्यार्थियों को सीख लेना चाहिए या सीखना चाहिए। शैक्षणिक लेखन के क्षेत्र में भाषा की परिशुद्धता एवं उसके तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग काफी महत्व है। शैक्षणिक लेखन की भाषा औपचारिकता की उम्मीद, इसीलिए शैक्षणिक लेखन में जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनके पास शब्दकोशों का भंडार होना अति आवश्यक, जिसको हम लोग कहते हैं एनरिच योर वोकैबुलरी, अपने शब्दकोशों को सतत बढ़ाने का प्रयास। और वह तभी संभव है जब आप अपने अध्ययन और अध्यापन को सतत बढ़ाए रहें। औपचारिकताओं के लिए भी कुछ जरूरी शर्तें हैं कि हम अपनी औपचारिक भाषा कैसे बनाएं। तो डिस्कोर्स कम्युनिटी का मानना है कि इसके लिए संकेताक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। यदि हम लोग राजनीति विज्ञान विषय का उदाहरण लें तो कई बार हमारे विद्यार्थी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में संकेताक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण मैं देना चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ही लिखना है तो हम लोग संग रा श करके लिख देते हैं, या अनुच्छेद लिखना है तो अनु करके फुल स्टॉप लगा के अनुच्छेद समझ, इस तरीके से लिखना उचित नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि भावनात्मक तथा भावोत्तेजक शब्दों के प्रयोग से शैक्षणिक लेखन में बचना चाहिए। यहाँ सौम्य भाषा के प्रयोग की उम्मीद की जाती है। तीसरा, शैक्षणिक लेखन में अतिरेक स्थितियों से बचना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि शैक्षणिक लेखन में अति सकारात्मक या अति नकारात्मक स्थितियों से अध्येता या लेखक को बचने का प्रयास कर। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग शैक्षणिक लेखन के चारित्रिक विशेषताओं की करना चाहेंगे। शैक्षणिक लेखन के लिए सबसे पहले
अच्छे प्रश्न या प्रासंगिक समस्याएं उठाई जाए, फिर विस्तार से उनका उत्तर दिया जाता। लेखक का उत्तर शीर्षक के अनुकूल तार्किकता व युक्तियों से पूर्ण होना चाहिए। हार्टले के अनुसार शैक्षणिक लेखन की भाषा सटीक, अवैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ हो, ताकि लेखक मूल्य आधारित निर्णयों व पक्षपातों से बचे रहे। इसके साथ ही साथ औपचारिक शब्दकोशों और संदर्भों का प्रयोग करें। हेडी के अनुसार अच्छे शैक्षणिक लेखन की निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, शैक्षणिक लेखन में व्याकरण, वर्तनी तथा प्रतीक व विराम चिन्हों का शुद्धतम प्रयोग होना चाहिए। नंबर 2, शैक्षणिक लेखन अच्छी तरह अपने केंद्रीय विचारों से लेकर निष्कर्ष एवं सुझावों तक संगठित होना चाहिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। नंबर 3, शैक्षणिक लेखन एकीकृत एवं सुसंगत होना चाहिए। नंबर 4, शैक्षणिक लेखन अपने विषय की खोज व व्याख्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। नंबर 5, शैक्षणिक लेखन में अनावश्यक शब्दों के प्रयोग तथा स्थानीय शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 6, शैक्षणिक लेखन में लेखक को अपने पाठकों एवं श्रोताओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कोई भी लेखन के लिए कहीं ना कहीं कोई टारगेटेड समूह अवश्य होता है। जैसे राजनीति विज्ञान विषय का ही उदाहरण लें तो हम लोग किसी विषय पे शोध करते हैं तो उसकी कुछ न कुछ सामाजिक प्रासंगिकता, कुछ समस्याएं हैं तो उसके हमारे पास समाधान होते हैं जिसको हम दूर करना चाहते हैं, या कुछ नई व्यवस्था शुरू करना चाहते, तो उसी को हम लोग टारगेटेड ग्रुप कहते हैं। किसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसे ये बातें जो हम बोल रहे हैं समझ में आनी आवश्यक। और 7, शैक्षणिक लेखन एक विशेष विषय, विशेष विमर्श समुदाय तथा विद्वत क्षेत्र में अवस्थित होना चाहिए। यह ध्यान रखते हुए लेखन कार्य करना चाहिए कि हम एक विषय विशेष के लिए लिख रहे हैं, एक जनरल राइटिंग शैक्षणिक लेखन में उम्मीद नहीं की जाए। कुल मिलाकर शैक्षणिक लेखन की नटसेल में कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए तो शैक्षणिक लेखन योजनाबद्ध और विषय केंद्रित होना चाहिए। शैक्षणिक लेखन संरचनात्मक और अपने विभिन्न हिस्सों में अच्छी तरह अंतर संबंधित होना चाहिए। शैक्षणिक लेखन साक्ष्यपरक होना चाहिए, जिसमें साक्ष्यों और तर्कों की सटीकता हो, तथा शैक्षणिक लेखन में भाषा एवं लेखन शैली में औपचारिकता का होना अति आवश्यक है। तो ये मूलतः शैक्षणिक लेखन की चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। इसी के साथ बेली ने शैक्षणिक लेखन का कुछ उद्देश्य बताया कि हम कोई लेखन निरुद्देश्य नहीं कर सकते। इसी को लेकर बेली का कहना है कि शैक्षणिक लेखन का मूल उद्देश्य किसी ज्ञान के विषय अथवा शोध पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। शैक्षणिक लेखन लेखक के द्वारा उठाए गए समस्याओं एवं प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करना होता है। शैक्षणिक लेखन लोकहित से जुड़े मुद्दों पर लेखकों के विचारों के मध्य विमर्श करना होता है, अथवा किसी विशिष्ट विषय पर अपने से पूर्ववर्ती के किए गए शोधों को संश्लेषित करने का प्रयास भी शैक्षणिक लेखन में किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि इन चर्चाओं के बाद शैक्षणिक लेखन की चारित्रिक विशेषताएं व पृष्ठभूमि हम समझ चुके होंगे, और आगे की चर्चाओं में हम लोग टाइप्स ऑफ एकेडमिक लेखन या शैक्षणिक लेखन के कितने प्रकार होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, इसकी चर्चा करें। धन्यवाद।